आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो खीर। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, सेमिया थोड़ी सी, हमने पतली वाली ली है, आप मोटी सेमिया भी ले सकते हो, 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, 1 कटोरी चीनी और थोड़े से मैंगो कटे हुए बारीक, 1 मैंगो की हमने प्यूरी बना ली है, इलायची पाउडर 1 चम्मच और ड्राई फ्रूट थोड़े से क्रश किए हुए काजू और बादाम है और देसी घी 1 टेबल स्पून। अब गैस पे कढ़ाई रखेंगे और उसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे सेमिया, इसको थोड़ा हम भूनेंगे घी में। सेमिया हमारी भून चुकी है, ब्राउन कलर आ चुका है इसमें, अब हम इसमें दूध लगा देंगे। थोड़ा सा दूध हम कस्टर्ड के लिए बचा लेंगे, ठंडे दूध में हमने कस्टर्ड घोलना है। इसको हम उबाल आने देंगे, दूध में उबाल आ चुका है, अब गैस को सीम कर देंगे और 2-3 मिनट इसको सीम गैस तक पर पकाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, इसको उबलते हुए 2-3 मिनट हो चुके थे। अब डाल देंगे चीनी, इसको थोड़ा सा हिलाएंगे, गैस को सीम ही रहने दें। हमने ठंडा दूध लिया है, अब इसमें जो 1 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर लिया था वो डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से घोलेंगे, इसका फ्लेम तेज कर देंगे और इसको चलाते हुए कस्टर्ड को धीरे धीरे डालते जाएंगे और हिलाते जाएंगे ताकि गांठे ना पड़े। और इसको उबाल आने के बाद तुरंत बंद कर देंगे। उबाल आ गया, अब थोड़ा सा गैस सिम करेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, 2 मिनट के लिए तेज करके इस तरह चलाएं और ताकि ये बाहर ना आए, जैसे ही ये उबलने लगे गैस को बंद कर दें। गैस को बंद कर दिया, अब इसको आधा घंटा तक ठंडा होने दें। हमने खीर को बाउल में शिफ्ट कर लिया है, आधा घंटा हो गया, ठंडी हो चुकी है। अब इसमें मिलाएंगे हम मैंगो प्यूरी। मैंगो प्यूरी हमेशा ठंडा करके ही मिलाएं, गर्म में मिलाओगे तो फट जाएगी। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर दें। डाल देंगे मैंगो पीसेस जो हमने काट के रखे थे छोटे छोटे, थोड़े से डाल देंगे, थोड़े रहने देंगे गार्निश के लिए। ये मैंगो खीर हमारी खाने के लिए तैयार है, इसको हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा गार्निश कर देंगे, इसको ठंडा ही सर्व करें। हमारी मैंगो खीर खाने के लिए तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू।